स्कूल शुरू होते ही बच्चे के साथ साथ पूरे घर का रूटीन चेंज हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग्स, अर्ली बेड टाइम और दिन भर में ढेर सारे और चेंजेस। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरे 5 साल के बच्चे का स्कूल डे रूटीन। बच्चों को सुबह सुबह उठाना आसान काम नहीं है, और उसमें भी अगर आपके 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को उठाने में दूसरे बच्चे के उठ जाने के फुल चांसेस होते हैं। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अर्थर को नींद में ही बाहर ले आए ताकि मेरा डिस्टर्ब ना हो, और फिर एक बार वो बाहर सोफ़ा पे आ जाता है फिर मैं उसे कोशिश करती हूँ प्यार से उठाने की। सर्दियों में वो 5 मिनट की एक्स्ट्रा नींद भी कितनी प्यारी लगती है, एंड दिस इज़ माई लीस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द डे। मुझे किसी को भी नींद से उठाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें। फाइनली आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम वार्म वाटर कम्स टू द रेस्क्यू। यूजुअली थोड़ा सा गर्म पानी पीते ही अर्थर की आंखें खुलती है एंड देन ही इज़ रेडी फॉर द डे। और अब अर्थर जा रहा है ब्रश करके मॉर्निंग रूटीन की चीज़ें ख़त्म करने, वाइल आई प्रिपेयर हिज ब्रेकफास्ट। और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आवाज़ से खटर पटर से बहुत बार मीरा उठ ही जाती है, बट थैंकफुली शी कीप्स ऑन प्लेइंग इंडिपेंडेंटली और हमें डिस्टर्ब नहीं करती। अब अथर्व काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंटली अपना सारा काम कर लेता है, बट निशित इज स्टिल देयर टू हेल्प हिम व्हेनेवर ही नीड्स हेल्प। तो मॉर्निंग में यूजुअली मैं किचन में बिजी रहती हूँ, तो रेडी होने से रिलेटेड सारी चीज़ें बिटवीन निशित एंड अथर वो लोग मैनेज कर लेते हैं। एक्सट्रीम सर्दियों की सबसे पहली निशानी होती है बटर का पूरी तरह से जम जाना। आई लिटरली नाउ हैव टू यूज अ हॉट नाइफ टू टेक इट आउट। अब अथर की स्कूल ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लेट शुरू होती है बिकॉज ऑफ विंटर टाइमिंग्स। इसकी वजह से हमारी सुबह कंपैरेटिवली थोड़ी सी रिलैक्स्ड होती है, बट आई नो दैट एज डेज पास और ठंड बढ़ने लगेगी इस टाइम पे उठना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लंच बॉक्स रेडी है, अथर रेडी है, नाउ इट्स फाइनली टाइम टू गो। ऑनेस्टली सुबह के इस 1 घंटे में इतना सारा काम आ जाता है कि लगता है जैसे आधे दिन का काम कर लिया। और अब मीरा भी उठ गई है तो साथ में जा रही है नीचे, सो इट वुड बी लाइक अ मॉर्निंग वॉक फॉर हर टू। बाय अथर। अथर स्कूल से वापस आता है अराउंड 3:30 को, यानी आधे से ज़्यादा दिन ऐसे ही निकल जाता है। एंड ऑनेस्टली बाय द टाइम इट इज़ 1:30 मैं उसको लेने जाने के लिए थोड़ी सी एंक्शियस होने लगती हूँ। वी ऑल स्टार्ट मिसिंग हिम, स्पेशली मीरा। आजकल वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है तो हम बहुत बार पार्क में ही थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं स्कूल से आते ही। एंड ऑनेस्टली इस पॉइंट पर मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, सो आई एम इंसर्टिंग क्लिप्स फ्रॉम अनदर डे। And Meera ka excitement level is another level, and it's such a cute moment when they meet each other after school. Aajo andar bachcho. थोड़ी देर मीरा के साथ खेल के अथर थोड़ा सा खाना खाता है और चेंज वेंज करके बाय द टाइम थोड़ा फ्री होता है, उसके टेनिस क्लास का टाइम हो जाता है। पहले उसके टेनिस क्लास का टाइम अराउंड 5:30 का होता था, लेकिन अभी विंटर्स के चलते ये भी जल्दी हो गया है, जिसकी वजह से स्कूल से आने के बाद उसके पास हार्डली कुछ टाइम बचता है अपने लिए। आफ्टर अराउंड एन आवर ही गेट्स फ्री, और यूजुअली अगर मीरा उठ गई होती है तो इस टाइम पे हम लोग सब पार्क में 1-1.5 घंटा और खेलते हैं,
लेकिन आज मीरा भी सो रही थी और अथर्व भी थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा था, सो वी डिसाइडेड टू गो बैक होम। वापस आके दूध पी के इवनिंग स्नैक्स करके अथर्व यूजुअली टेक्स अ क्विक शावर, विंटर्स के चलते वो इवनिंग में ही शावर लेना प्रेफर करता है, और फिर हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे थोड़ा सा लर्निंग पे। ऑनेस्टली ये जो लर्निंग वाला टाइम है वो हम लोग डेली तो नहीं स्पेंड कर पाते अथर के साथ बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग स्कूल आवर्स, लेकिन हफ्ते में दो तीन दिन जब भी मौका मिले वी ट्राई टू डू इट जस्ट टू गेट हिम इनटू अ रूटीन ऑफ यू नो मेकिंग श्योर के रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करना जरूरी है, एंड ऑन वीकेंड्स वी लाइक टू स्पेंड सम मोर टाइम ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच मैजिक ई। आज तक के मैंने जितने भी वर्कशीट सेट्स लॉन्च किए उसमें से अथर्व को सबसे अच्छा लगा है तो ये साइट वर्ड्स का वर्कशीट सेट है। ही यूजेज इट ऑलमोस्ट डेली, एक या दो शीट्स करता है, और आप लोगों की तरफ से भी इतना अच्छा फीडबैक मिला है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जैसे ही ये सब ख़त्म होता है टाइम हो जाता है अथर्व के डिनर का, वी आर ऑलमोस्ट नियरिंग हिज बेड टाइम। डिनर टाइम पे हम क्या करते हैं वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है दिन कैसा गया है, हमने दिन में क्या क्या चीज़ें की है उस पर। कभी कभी अथर्व खाते हुए टीवी देखता है, कभी कभी हम लोग बुक पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसे ही बैठ के साथ में चिट चैट करते हैं, सो देर आर नो फिक्स्ड रूल्स एज सच। और फिर फ्रेश होके ब्रश करके अथर्व का फेवरेट टाइम ऑफ द डे स्टार्ट होता है विच इज़ स्टोरी टाइम। आजकल एक न्यू चेंज है कि अथर्व अब पढ़ पाता है थोड़ा बहुत, तो एक सिंपल सी बुक वो मुझे पढ़ के सुनाता है, आज वो अपनी स्कूल लाइब्रेरी से मिली हुई एक बुक पढ़ के सुना रहा है, एंड देन आई रीड हिम अ स्टोरी आफ्टर दैट। ही फेल्ट समथिंग मूविंग अप हिज लेग्स, ही वाज सरप्राइज्ड। और क्योंकि अथर्व आफ्टरनून नैप नहीं लेता तो बाय द टाइम आधी स्टोरी ख़त्म होती है वो काफ़ी स्लीपी फील करने लगता है, हालांकि स्टोरी ख़त्म ना हो तब तक वो सोता नहीं है, बट जैसे ही बुक ख़त्म होती है और लाइट्स ऑफ होती है ही इमीडिएटली डोजेस ऑफ। तो ये था हमारा मंडे टू फ्राइडे स्कूल डे वाला रूटीन। आई विल बी शेयरिंग द वीकेंड वाला रूटीन जो कि स्लाइटली डिफरेंट होता है इन अनदर वीडियो होपफुली वेरी सून। तब तक अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।